फर्स्ट वाला डॉपलर के ऊपर है ना, यस सर। तो इसमें क्या करना चाहिए, कंसेप्ट क्या है वो बता दे पहले। डॉपलर में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो आप, इक्वल्स टू द रियल फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी माइनस सोर्स वेलोसिटी, ये फॉर्मूला पढ़ते हो आप। बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, कंसेप्ट इसमें ये है कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो कौन, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है। पॉइंट ये है, ऑब्जर्वर एंड सोर्स की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, बट कौन से इंस्टेंट के वेलोसिटी लोगे। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमेशा कंसिडर की जाती है एट द इंस्टेंट साउंड रिसीव किया गया हो, और सोर्स की वेलोसिटी को कंसिडर किया जाता है एट द इंस्टेंट साउंड एमिट किया गया हो। ये इसके पहले तो कंसेप्ट है, अगर न पता हो तो इसको पहले ध्यान रखिएगा। सोर्स की वेलोसिटी साउंड के एमिशन के वक्त ली जाती है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के रिसीव करते वक्त ली जाती है। पता था ये बात पहले से, क्लास यस यस 11th में वैसे बताया तो था हमने, लेकिन यस सर। चलिए अब इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर कुछ डिस्टेंस पे है, वो शायद 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर। यस सर। तो फिलहाल तो उसको ए मान लेते हैं, ए नहीं कुछ डी मान लेते हैं। और ऑब्जर्वर ने साउंड रिसीव कौन से मोमेंट पे किया है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फोर तो वो 4 सेकंड साउंड के एमिट करने का टाइम है या साउंड के रिसीव करने का टाइम है? सर रिसीव करने की डिटेक्टर हमको ये, वाला सर। तो हमको ये पता करना पड़ेगा साउंड एमिट कब हुआ है। तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि सोर्स टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहां पर था, ऑब्जर्वर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहां पर, दोनों के अपने अपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिए गए हैं। मानते हैं कि साउंड कुछ टी टाइम के बाद एमिट होगा, ये मानते हैं, यानी कि जब सोर्स टी सेकेंड्स के बाद हाफ ए टी स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, और सोर्स के पास एक वेलोसिटी होगी ए इंटू टी, उस टाइम पर मान लेते हैं साउंड एमिट हुआ। इसी टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर साउंड एमिट कर रहे हैं उस टाइम पर ऑब्जर्वर भी कुछ आगे मूव कर चुका होगा, ऑब्जर्वर भी हमारा हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, और ऑब्जर्वर के पास भी इस समय कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, देन सुना यार, साउंड एमिट करने का टाइम टी ले रहे और उस टाइम टी सेकंड्स पर ऑब्जर्वर की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद जो यहां पर साउंड एमिट होगा वो और कितना टाइम लेगा ऑब्जर्वर तक जाने में। तो साउंड और ऑब्जर्वर बीच में किसी पॉइंट पर मिलेंगे जाकर, उस टाइम को आप टी डैश मान लो, मतलब टी डैश वो टाइम है जब ऑब्जर्वर साउंड को रिसीव कर रहा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। कैलकुलेशन पार्ट पे आओ, दो नोटिस करना, हाफ एटी स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट सोर्स ने कवर किया, इधर से हाफ एटी स्क्वायर का ऑब्जर्वर ने कवर किया, प्लस और कितना डिस्टेंस हुआ यहां पर, मतलब जहां पर साउंड एमिट हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर था टाइम टी पर, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन उस टाइम पर है जिस टाइम पर साउंड एमिट हो रहा था। तो साउंड और ऑब्जर्वर के बीच, साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा जो कि 4 सेकंड के बाद रिसीव हो रहे। तो यहां से जो साउंड एमिट होगा उसकी कुछ वेलोसिटी वी मान लेते हैं, साउंड जो एमिट होगा उसकी अपनी एक वेलोसिटी वी।
बताएंगे इसके आगे क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? तो एक टाइम की इक्वेशन जो साउंड पल्स उससे आ जाएगी। हाँ एक मिनट, ठीक। एक बार बताओ ऑब्जर्वर टोटल कितने टाइम के लिए मूव किया होगा, तो ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्वर का टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन जिसमें उसने डिस्प्लेसमेंट करी है, तो 4 सेकंड आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4 सेकंड पे ऑब्जर्वर को साउंड मिल गया, तो उस 4 सेकंड में ऑब्जर्वर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो हो गया होगा हाफ उसकी एक्सेलरेशन इनटू टाइम 4 का स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जर्वर 4 सेकंड तक, और सोर्स का डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है हाफ 80 स्क्वायर, बिकॉज सोर्स का डिस्प्लेसमेंट वहीं तक कंसिडर करोगे जहां पर साउंड एमिट हो चुका है, उसके बाद के सोर्स के मोशन से कोई मतलब नहीं है। तो हाफ 80 स्क्वायर सोर्स का डिस्प्लेसमेंट, जहां पर ऑब्जर्वर को साउंड मिल रहा है वहां पर हाफ 4 स्क्वायर ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट, और बाकी का डिस्प्लेसमेंट साउंड की वेव ने कवर किया होगा, और साउंड की वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो साउंड की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। साउंड कितनी देर के लिए ट्रेवल किया, तो टोटल अगर 4 सेकंड पर ऑब्जर्वर को साउंड मिला है लेकिन साउंड का एमिजन टी टाइम पर हुआ था, साउंड एमिट टी टाइम पर किया गया था, तो साउंड का जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो 4 माइनस टी, और ये पूरी चीज इक्वल टू डी के बराबर है। इस इक्वेशन को समझो पहले आप, बोलो। यस सर, यस सर, इक्वेशन सबको समझ आ रही है क्या लिखा है इसमें? हाफ 80 स्क्वायर मतलब सोर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसके बाद साउंड एमिट हो जाएगा, तो साउंड एमिट करने से पहले सोर्स का डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड तक ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट, और साउंड के एमिट करने में और 4 सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल के बीच में साउंड वेव ने क्या डिस्टेंस कवर की, ये टोटल डिस्टेंस हमारा डी के बराबर आना चाहिए। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको सब कुछ दे रखा है, डिस्टेंस डी भी दे रखा है और उसमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है क्वेश्चन, यानी अल्टीमेटली यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू ऑफ टी। तो वो कैलकुलेशन में एंटर नहीं करने जा रहा मैं, इससे पहले बता दूं। आप स्टेप देखो, स्टेप ना समझ में आए तो वो डिस्कस करो, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है वो भी बता दे रहा हूं। इसमें सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 0.95 सेकंड से एक आंसर आता है, और एक आंसर इसका 59 सेकंड भी आता है, दो आंसर सर क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो आंसर आएंगे टी स्क्वायर यहाँ पर, बट ऑब्वियसली 59 सेकंड का आंसर हम लेंगे नहीं क्योंकि 4 सेकंड से कम वाला आंसर चाहिए आपको, तो 59 कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ 0.95, मतलब 0.95 सेकंड वो टाइम था जिस टाइम पर सोर्स ने साउंड को एमिट किया है। अब यहाँ पर VS की जगह क्या रखेंगे और VO की जगह क्या रखेंगे, प्लस साइन कन्वेंशन भी देखना है मुझे, डॉपलर इफेक्ट का साइन कन्वेंशन बताएंगे कहाँ माइनस प्लस करेंगे, यार सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा ऊपर या प्लस रहेगा एज पर न्यूमेरिकल, प्लस और नीचे माइनस। अब यहाँ पर VS की वैल्यू बताओ, सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स की वेलोसिटी आपको 4 सेकंड पे नहीं लेनी है, 4 सेकंड पे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी क्योंकि 4 सेकंड वो टाइम है जब ऑब्जर्वर ने साउंड को कैच किया है, तो ऑब्जर्वर वेलोसिटी 4 सेकंड पे कैलकुलेट होगी, वो उसका एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और सोर्स की वेलोसिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वो टाइम जब साउंड एमिट किया था उसने, वो टाइम है 0.95। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। अगला आपका कल वाली असाइनमेंट, मतलब कल की जो लेक्चर होगी उसमें पहले से बता दें वो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर है प्योरली। अब इसके बाद मेरे ख्याल से सारे यूनिट्स तो कंप्लीट हो गए ना, कुछ रह गया अभी? तो इसके बाद होगी, अब और हाई लेवल पे जाओगे, इसके बाद हम लोग पाथ फाइंडर करेंगे।
सर 15th वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर, 15th वाला देख लीजिए एक बार सीक्वेंस में। चलो पहले सीक्वेंस में फर्स्ट के बाद और कुछ बताओ हमको, तुम लोगों लगाया है कि नहीं पता नहीं। भैया बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं यार, लगाओ इनको, फायदा क्या होगा। तो डायरेक्ट 15 पे नहीं सर, फिर 11th भी है सर। सीक्वेंस में चलो आप, सीक्वेंस में ये बोलो 11th। देखो क्वेश्चन में जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, पहले तो आप ये पता लगाओ कि कितना सबमर्ज होगा वो। डेंसिटी दे रखी है दोनों की, ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी दे रखी है, लिक्विड की भी डेंसिटी दे रखी है। फ्लोट करने की कंडीशन में ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ सबमर्ज होगी पहले ये पता लगाओ। सर 5 आ रहा था सर, 5 सेंटीमीटर ना। अरे डेंसिटी हाफ है। यस सर यस। तो इसकी साइड लेंथ है एल है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, तो आप इसमें लगाओगे ना ऑब्जेक्ट का वेट एल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द क्यूब, मास हो गया इनटू जी, इसका वेट बराबर बॉयंसी। बॉयंसी आप इसके सबमर्ज लेंथ से निकालोगे, मान लो सबमर्ज लेंथ इसका एक्स है, तो सबमर्ज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका बेस एरिया एल स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी, हाफ आएगा बस करके। तो डेंसिटी 1:2 के रेशियो में दे रखा है। मतलब जो सबमर्ज लेंथ है वो L बाई 2 है, सिंपल सर, L बाई 2 सबमर्ज है यहाँ पर। yes, और कंटेनर का जो बेस एरिया है वो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, कितना है एरिया ऑफ कंटेनर अगर देखे क्वेश्चन में 45 into 60 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ वो 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में करने को क्या बोला गया है कि वर्क डन टू प्रेस द ब्लॉक स्लोली सो दैट इट इज जस्ट इमर्ज्ड इन द वाटर। कैसे होगा यार, जस्ट इमर्ज करने के लिए क्या करें देखो। सर वर्क डन निकालेंगे मतलब कैसे, प्रॉब्लम भी तो बात करें कैसे। सर मैं सर इसको से अप्रोच से कर रहा था सर कि जो प्रेशर ऊपर से पड़ेगा सर वो उस प्रिंसिपल के सर कि वो मतलब कम नहीं होगा सर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नीचे हो जाएगा सर, तो मैं उस प्रिंसिपल से कर रहा था सर। सर इसको मतलब पास्कल्स लॉ। यस सर। सर इसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक को स्लोली किया मतलब पुश किया गया, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा सर बाइंड फोर्स माइनस वेट ऑफ द ब्लॉक, और उसका वर्क डन निकालेंगे। लेकिन जब हम ब्लॉक को ऊपर प्रेस कर रहे होंगे यस सर, तो वाटर भी ऊपर आएगा सर, तो जल्दी नहीं हो जाएगा सर वो। हां वाटर ऊपर आएगा बट और ऊपर से बॉयंसी एक वेरिएबल फोर्स होगा यहां पर। अगर इसमें ऐसे करेंगे ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो उसके लॉस इन ग्रेविटेशनल टेंशन है जी, और सर फाइनली वाटर ऊपर आ जाएगा उसकी गेन इन ग्रेविटेशनल टेंशन है, सबट्रैक्ट। अच्छा तो आप देखो ठीक है, एक काम करते हैं फिर, ब्लॉक जब नीचे आएगा हम इसको ऊपर से जब प्रेस करेंगे ब्लॉक नीचे आएगा तो साइड में लिक्विड का लेवल भी तो राइज करेगा कुछ। इस ब्लॉक को जब आप सबमर्ज करोगे इसके अंदर और ज्यादा प्रेस करोगे तो साइड में यहाँ पर जो लिक्विड के लेवल है ये लेवल उठेंगे, और जब यहाँ पर लिक्विड का लेवल उठेगा ना तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना वाटर की पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या गेन आएगा पानी के, क्योंकि पानी यहाँ पर राइज करेगा और यहां से ब्लॉक डिप करेगा। देखिए पहले तो आप ये पता लगाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्योंकि अगर देखिए अगर हम L बाई 2 सबमर्ज है, जरा इमेजिन करना यार, अगर हम इस ब्लॉक को एडिशनली y डिस्टेंस नीचे लाएं, एडिशनल y डिस्टेंस नीचे लाएं, तो यहाँ पर कितना लिक्विड राइज करेगा पहले आप ये पता लगाओ। अगर इधर से हम y नीचे लाएंगे तो यहाँ पर और कितना राइज होगा ये पता लगाइए।
और कैसे पता लगाएंगे, जब इधर से y नीचे लाएंगे तो और कितना पानी डिस्प्लेस करेंगे हम लोग, कितना वाटर और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा अगर हम y नीचे लाते हैं इधर, तो एक्स्ट्रा वाटर जो यहाँ पर आप डिस्प्लेस करोगे, ये वाला वाटर है एक्स्ट्रा, ये वाटर जो यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे ये साइड में राइज कर जाएगा इधर इधर और इधर, मान लेते हैं वाई डैश राइज कर गया, तो y डिस्टेंस नीचे लाएंगे, बेस एरिया एल स्क्वायर है इसका, साइड लेंथ एल है, एल स्क्वायर इंटू वाई, इसको हटा दें इसका कोई काम नहीं, तो एल स्क्वायर इंटू वाई ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो एडिशनली डिस्प्लेस होगा और साइड में जाकर के कंपनसेट हो जाएगा जो कि y डैश डिस्टेंस है, तो y डैश मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया, जितने एरिया में यहाँ वाला वाटर एडजस्ट हो रहा है इधर, और ये वाला एरिया इधर का एरिया और इधर का एरिया, ये कंटेनर के एरिया में से एरिया ऑफ कंटेनर माइनस ये एल स्क्वायर, पहले आप ये फैक्ट कंसिडर करो कि ये बात इक्वेशन सही है नहीं है। यस सर, पक्का? यस सर, यस सर। अब जरा जो डेटा क्वेश्चन में है वो सब्स्टिट्यूट करिए, जरा कंटेनर का एरिया सब्स्टिट्यूट करिए, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताओ कि वाई डैश और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है, एक बार न्यूमेरिकली करके बताओ, वाई डैश और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो बताए, सर y is equal to 2y dash, मतलब कि y dash y by 2 आ रहा है, yes sir, मतलब कि अगर हम इसको additionally y distance नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर पानी का level जो है वो y by 2 rise करेगा, ठीक है, और अब additional buoyancy कितनी आएगी वो बताएं, ऐसा होने के बाद additional buoyancy, देखो एडिशनल बॉयंसी चेक करना, अब ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ सबमर्ज हो गई है, L by 2 plus y plus y dash, L by 2 पहले से ही सबमर्ज था, y इसको और नीचे ले गए और पानी का लेवल भी y dash ऊपर चला गया, तो अब पानी के नए लेवल से और कंटेनर का अगर सबमर्ज लेंथ कैलकुलेट किया जाए तो नई सबमर्ज लेंथ L by 2 plus y plus y dash plus y plus y dash, और y डैश की वैल्यू y बाई टू है, ये अब नई सबमर्ज लेंथ हुई और नई सबमर्ज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, सबमर्ज लेंथ बेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बॉयंसी हुई एडिशनल बॉयंसी, और इसी एडिशनल बॉयंसी के अगेंस्ट हमको काम करना है, तो हमें जो और ये वेरिएबल आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ गया, तो हमें जो वर्क करना है वो अगेंस्ट दिस एक्स्ट्रा बॉयंसी, एडिशनल बॉयंसी के अगेंस्ट, तो वो वर्क मैं यही पर लिख दे रहा हूँ यार, हटा रहे हैं इसको, मतलब लिख चुके हो कि नहीं? यस यस सर, लिख लिया सर, तो ये जो एडिशनल बॉयंसी है ये तरीके से मेरा एडिशनल फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, वर्क ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट कहां से कहां तक लिमिट्स बताएं, 0 से l by 3, 0 से l by 3, हां क्यों सर, वो y plus y by 2 को l by 2 के इक्वेट करेंगे तो l by 2, राइट भाई, l by 2 पहले ही सबमर्ज था, और जो नोटिस करिएगा y डिस्टेंस नीचे जाने पर इधर से y डैश राइज भी कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक को y डिस्टेंस पुश करने पर y प्लस y डैश सबमर्ज हो रहा वो, और हमें टोटल सबमर्ज करना था l by 2, y प्लस y डैश की वैल्यू l by 2 जब हो जाएगी तो ये फुल्ली सबमर्ज हो जाएगा, आइए बात समझ में? यस सर, यस सर, ये जो नॉन सबमर्ज पोर्शन था उसको नॉन सबमर्ज पोर्शन विल बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट प्लस लेवल जो राइज करेगा पानी का, दोनों मिला करके L by 2, यानी से y की वैल्यू कितना बता रहे, L by 3, yes sir, L by 3 आएगा, बस अब ये रख करके बाद में इसके न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करो, आंसर आ जाएगा इसमें भी,
और बोलो। सर 14 का कोई डाउट नहीं है? आंसर नहीं मैच हो रहा सर, एक बार 9th बता दीजिए सर, उसका आंसर नहीं मैच हो। एक मिनट एक फिर करके बताए, 15th का आंसर नहीं आएगा मैच के, देखो उससे बराबर हो गया स्विच। सर आंसर सर 3 आ रहा था, 3 नहीं आएगा, तो बताते हैं क्या आंसर आएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि दो सैटेलाइट्स हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिसमें एक का रेडियस आर है और दूसरे वाले का उससे कुछ कम है, आर माइनस डेल्टा आर ऐसे कुछ है। देखो मतलब ये हम मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट वन का ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट टू की ऑर्बिट है, इसको हम जो सैटेलाइट टू है उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा टू, सैटेलाइट वन की भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा वन मान लेते हैं। रिकॉल करना ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है सैटेलाइट ग्रेविटेशन में, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाई रेडियस, जिसमें कैपिटल एम उस प्लेनेट का मास है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ओमेगा निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय आर और कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ जी एम ऊपर जाकर के और नीचे आर टू दी पावर 3/2। पहले ये क्रॉस चेक करो, ठीक है? बोलो, इसको आर वन डिनोट कर दे रहे हैं, इसको आर टू। तो ओमेगा वन में यहाँ पर आर वन यूज कर लेंगे, ओमेगा टू में यहाँ पर आर टू यूज कर लेंगे। अब ये दोनों सैटेलाइट्स ऑलरेडी इस टाइम पर मिनिमम सेपरेशन पे हैं। मिनिमम सेपरेशन यही हो सकता है जब वो सेम रेडियल लाइन के ऊपर, दोनों सैटेलाइट्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस तभी आएगी जब वो सेम रेडियल लाइन पर आ जाए। इसके बाद वो दोबारा कब ऐसे होंगे, फिर से मतलब फिर से इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब कब आएगी वापस? कोई बताएगा इसके यार? मतलब मान लिया जाए कि ये टाइम टी इक्वल टू जीरो है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर बोथ सैटेलाइट्स आर ऑन द सेम रेडियल लाइन, नेक्स्ट वो मोमेंट कब आएगा जब वो फिर से सेम रेडियल लाइन के ऊपर होंगे? बट लेकिन ओमेगा अलग है ना, ओमेगा जिसका रेडियस कम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, रेडियस कम होने पर ओमेगा ज्यादा होगा, एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। मतलब कि सैटेलाइट वन की ओमेगा ज्यादा है, सैटेलाइट टू की ओमेगा कम है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सैटेलाइट वन जो होगा वो ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा। तो सैटेलाइट वन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पर ज्यादा होगा और सैटेलाइट टू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पर कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आने की वजह से सैटेलाइट वन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन और सैटेलाइट टू की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू ये डिफरेंस है। तो ये सेम एंगल तो कवर नहीं कर सकते कभी सर, तो इनका जो डिफरेंस है सर अगर वो पूरा 360 कवर कर ले तो वापस आ जाएगा उसी पे। हाँ, ये कह सकते हो कि जो थीटा वन और थीटा टू का डिफरेंस है अगर वो डिफरेंस टू पाई का मल्टीपल हो जाए तो ये दोनों सैटेलाइट वापस सेम रेडियस पे आ जाएंगे और थीटा वन को हम लिख सकते हैं ओमेगा वन मल्टीप्लाइड बाई टी और थीटा टू को लिख सकते हैं ओमेगा टू मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी कि ओमेगा वन, अब ओमेगा वन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर वन टू दी पावर 3/2 ओमेगा वन मल्टीप्लाइड बाई टी थीटा वन माइनस ओमेगा टू मल्टीप्लाइड बाई न्यूमेरिकल वैल्यूज आप एंटर कर लेना जिस और थीटा वन माइनस थीटा टू टू पाई के बराबर आ जाए मिनिमम, मिनिमम वैसे ये टू एंड फाइव हो जाए
तो ये वापस सेम रेडियस लाइन पर, सेम रेडियल लाइन पर आ जाएंगे और फिर से इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बोल ले। Yes. ठीक, लेकिन ये केस तब है जब दोनों सैटेलाइट्स का ओमेगा सेम डायरेक्शंस में है, मतलब कि वो ऑर्बिट कर, उनके ऑर्बिट करने का जो तरीका है वो सिमिलर है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट कर रहे हैं। इसमें दो केसेस बन सकते हैं एक्चुअली। हाँ जी, 2n पाई, लेकिन मिनिमम टाइम पूछा है तो n को 1 रख दिया है। 2n पाई तो ठीक है, लेकिन n इक्वल्स टू 1 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज़ लीस्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हो जब वो फिर से मिनिमम सेपरेशन यानी कि सेम रेडियस के ऊपर हो। yes. और एक इसमें दूसरा केस भी बनेगा, यहाँ पॉजिटिव साइन वाला केस भी आएगा। अगर सैटेलाइट 2 और सैटेलाइट 1 अपोजिट सेंस में रिवॉल्व करे, मतलब सैटेलाइट 2 एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे और सैटेलाइट 1 क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे अगर, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 ऐड हो जाएंगे, तो एक माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे और एक प्लस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे, दो आंसर आएंगे इसमें। Yes, और वो जो आंसर्स दो आएंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे उसके बाद की बात हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो उसके बाद जो आंसर्स आएंगे, आंसर मैं बता दे रहा हूँ जो हमारे पास है वो रिकॉर्ड करके बता दे रहे। प्लस वाले से जो आंसर आएगा पॉजिटिव साइन कंसिडर करने पर जो आंसर है वो 0.8 आवर्स का है, और माइनस साइन कंसिडर करने के पास जो आंसर है वो 7.2 कुछ करके आ रहा है, 7.2 डेज का। तो आंसर जो दिया वो थोड़ा सा एरर है उसमें। खैर एनीवे, आपको आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लॉजिक से। सर और क्वेश्चन बताओ। सर एक बार 16th वाला देख लीजिएगा सर, मेरा नीचे 8 नहीं आ रहा सर, 2 पाई आ रहा है मेरा। क्या आ रहा तुम्हारा सर? नीचे मेरा 2 पाई आ रहा है 8 की जगह। वेव वाले क्वेश्चन लगता है तुम लोगों ने किया ही नहीं है। पहले तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में है ना, 16th क्वेश्चन में प्लेनेट वाज सडनली स्टॉप इन द ऑर्बिट सपोज्ड टू बी सर्किट सपोज्ड टू बी सर्कुलर। तो पहले वाला केस बताइए, जब ये अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? फर्स्ट केस में जब वो फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन रूट ऑफ जी इंटू मास, वो मास है जिसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट कर रहे और जो भी इसका रेडियस है उसकी पावर 3/2, ये टाइम पीरियड फॉर्मूला। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो ऑर्बिट में सडनली स्टॉप हो गया, किस टाइप का मोशन होगा सडनली स्टॉप होने के बाद? सर इन दोनों के सर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगी सर, तो लीनियर ही मोशन होगा। सडनली स्टॉप होने के बाद इस प्लेनेट, ये प्लेनेट डायरेक्टली इस मास m की तरफ जाएगा, ये तो होगा इसमें। यस सर। ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी इसकी? सर स्ट्रेट ही लाइन बन रही है सर। हाँ तो बोलो जो भी बन रहा है इसमें, इतना ट्रेजेक्टरी हुई स्ट्रेट लाइन, और यहां पर एक लॉजिक लगाना है, स्ट्रेट लाइन को स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिप्स मानेंगे। एलिप्स में अगर हम कहते हैं कि मेजर एक्सिस उसकी ए है और माइनर एक्सिस उसकी बी है, तो अ स्पेशल केस व्हेन बी टेंड टू जीरो, बी टेंड्स टू जीरो मतलब कि एलिप्स को इस साइड से अगर हम जीरो माइनर एक्सिस कर दें तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है ऑलमोस्ट। तो प्लेनेट का ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ वो आप लगभग लगभग ये मान सकते हो
ये बहुत ही मतलब बहुत ही फ्लैट एलिप्स हुआ, ऑलमोस्ट अ वेरी फ्लैट एलिप्स। और एक और चीज याद रखना है, इलिप्स में जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो मास होता है वो फोकस के ऊपर होता है। ये केपलर लॉ में कहा गया है कि जो जिस मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं वो मास इलिप्स के फोकस पॉइंट पर होता है, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द इलिप्स, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये वाला डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स लगाए गए, तो ये डिस्टेंस आती है ए इंटू वन माइनस स्मॉल ई एसेंट्रिसिटी के फॉर्म में। और एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स भी मेरे ख्याल से रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है। सही लिखा है सब कुछ हमने एलिप्स के बारे में? यस। बी को जरा जीरो को टेंड करो, एसेंट्रिसिटी लगभग कितनी हो जाएगी सर? वन। एसेंट्रिसिटी अगर वन के क्लोज आ जाए, लगभग वन हो जाए एसेंट्रिसिटी, तो ये डिस्टेंस जीरो, यानी कि एलिप्स की एंड पॉइंट और कैपिटल एम के बीच लगभग जीरो डिस्टेंस, यानी ये वाला मास ऑलमोस्ट एलिप्स के एंड पे चला जाएगा। मतलब ये जो फोकस होता है, फोकस एलिप्स के एंड पे होगा। तो ये एक नियरली, नॉट एग्जैक्टली बट वेरी क्लोज टू द इलिप्टिकल ऑर्बिट, बहुत ज्यादा क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा जिसपे ये मास एलिप्स के एंड पॉइंट पर भी है और ये मास एलिप्स के फोकस पर भी है, माइनर एक्सेस लगभग जीरो है, और ये पूरा डिस्टेंस आर जो बनेगा वो उस एलिप्स का मेजर एक्सेस बन जाएगा। और हम लोगों ने क्लास में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के भी टाइम निकाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कैलकुलेट किया गया है, उसको सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन वहां पर ये जो आर होता है ये हाफ ऑफ मेजर एक्सेस, R is the major axis, so half of that, R by 2 to the power 3 by 2. ये time पूरे orbit का time है, मतलब एक पूरा revolution करने का time है। हमें time चाहिए planet का इस point तक आने का, जो कि half 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 orbit हुआ। यानी जो हमारा answer होगा, वो इसका half होगा, T by 2. ये आपका जो टाइम पूछा गया है वो है, जो टाइम पूछा गया है टाइम आस्क वो ये ऐसा आएगा। अब दोनों को कंपेयर करके देखो क्या आंसर बनता है। सर यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट लेने का बेसिस क्या है सर? मैकेनिकल नहीं है, लॉजिक। हाँ बोलो सर। स्टॉप कर दिया है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होगी, मतलब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस वजह से एलिप्स लिया क्या? हाँ, ये वैसे हम लोगों ने आपके यहाँ तो नहीं पढ़ा है 12th पास में, लेकिन हमेशा हमने बोला है कि जो ग्रेविटेशन में स्ट्रेट लाइन पाथ होते हैं उनको आप इलिप्टिकल मान करके टाइम की कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं बिना कैलकुलस में गए, अदरवाइज कैलकुलस लगेगी पूरी। भाई क्योंकि इसका जो अगर हम इसको सडनली स्टॉप करेंगे उसके बाद ये प्लेनेट उस मास की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स उठ जाएगी, तो मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन या तो फिर काइनेमेटिक्स और न्यूटन ना लगाए थे, पूरी लंबी कैलकुलेशंस आएंगी करनी। ओके सर, ओके। बस चेक कर लो जो टाइम आ रहा है वो जो पूछा है उतना आ रहा है, नहीं आ रहा है देखो, ये पहले वाला टाइम है और ये बाद वाला टाइम है, दोनों को कैलकुलेट कर लो। लॉजिक देखो, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है ना, जब आप स्पेशल क्वेश्चंस करोगे तो स्पेशल मेथड्स भी मिलेंगे उनके, और तभी तो रिवीजन करा रहे हैं इसका, और क्या। और पूछो भाई जो है। हां सर, 17 बता दो सर। पाथ पैराबोला और हाइपरबोला कब होता है? देखिए देखो, एक 10 मिनट का टाइम लगेगा, फिर बताएं या ना बताएं, क्वेश्चन पहले करें, 10 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। बता दीजिए सर।
रेडी हो ना आप? देखो जरा ये एलिप्स वाले को याद करो आप पहले। एलिप्स में जब मास एम केपलर ने कहा था कि ये फोकस के ऊपर है और जो दूसरा स्मॉल एम है जो कि ऑर्बिट में है, अगर हमारे मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, सपोज दैट कुछ रिजल्ट्स आपको बताने पड़ेंगे एलिप्स के इलेप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी का, जरा फॉर्मूला बताना क्या होता है टोटल एनर्जी इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट का रिजल्ट। ये डेरिवेशन हुई है पहले ही, माइनस ऑफ जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय टू टाइम्स ए। क्या हो गया तुम लोग को नहीं आ रहे क्या भाई? यस सर। ये उसके अलावा वो भी याद करना होगा आपका कि एलिप्स में इसको हम नाम देते हैं ना एपोजी और पेरिजी का नाम देते हो, जो नियरेस्ट पॉइंट है वो पेरिजी वाला पॉइंट कहलाता है और जो फार्देस्ट पॉइंट है कैपिटल एम से सबसे दूर वो एपोजी वाला पॉइंट है। और एपोजी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी एपोजी वाले पॉइंट पर और वेलोसिटी पेरिजी वाले पॉइंट पर, तो ये भी निकाल सकते हैं। बिकॉज जब टोटल एनर्जी पता है मुझे और कैपिटल एम और स्मॉल एम, नोटिस करिएगा कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है इलेप्टिकल प्रॉपर्टी से, मैथ लगाओगे तो ये ए इंटू वन प्लस ई होता है फोकस से और एक्सपेरिमेंट का डिस्टेंस, ए इंटू वन प्लस ई। और एक और रिजल्ट बताएं, यहां पर जो वेलोसिटी का टर्म आता है, यहां पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऐसा निकाल सकते हैं हाफ। हमने वैसे क्लास 11th में भी ये कहा था कि ये रिजल्ट याद रखिए। अब आपको अगर एपोजी पर वेलोसिटी चाहिए तो हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, और वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए इंटू वन प्लस ई, और ये टोटल वैल्यू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये टोटल वैल्यू इस कंप्लीट एनर्जी के बराबर करो। यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि वेलोसिटी एपोजी वाले पॉइंट पर कितनी जाएगी, और इससे ये भी निकाल सकते हैं कि पेरिजी वाले पॉइंट पर क्या वेलोसिटी आएगी, क्योंकि उसमें इधर वाला डिस्टेंस हम ए इंटू वन माइनस ई लिखते हैं। बोलो निकाल पाएंगे? यस सर। पक्का? ठीक है चलिए। अब एक काम करो, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल, इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल बराबर मास वेलोसिटी वी ए, और ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस यानी ए इंटू वन प्लस ई। ठीक है यहां तक बोलिए। यस सर। यस सर। अब एक काम करना है, थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, जो इन्होंने डेरिवेशन मांगी है वो थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है। देखो क्या क्या करना है वो बता रहे हैं। यहां पर ये जो वी ए स्क्वायर है इसको हटाना है, और ये हटाएंगे यहां से वी ए की वैल्यू आएंगे, तो वी ए स्क्वायर की जगह पर इस एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले से एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ए स्क्वायर वन प्लस ई होल स्क्वायर। समझे क्या किया हमने यहां पर? यस सर। यस सर। ठीक। और जो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू ए है, इस पूरे टर्म को हम वापस बैक टू एनर्जी लिख रहे हैं, कैपिटल ई एनर्जी। तो हमने एक तरीके से क्या काम किया कि एनर्जी एंगुलर मोमेंटम और बाकी चीजें ले आए, पर्पस था इसका एक्चुअली क्या है, क्यों इस तरह से मैंने किया ना बता दी।
अब इसके बाद एक काम आपको करना है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसमें से सॉल्व करनी है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं या तो आप कहो तो इसका पीडीएफ भेज दे डेरिवेशन का, क्योंकि तो यहां पर मैं सिर्फ हिंट बता सकूंगा कि हिंट क्या करना है आपको। एसेंट्रिसिटी सॉल्व करनी है इन टर्म्स ऑफ, एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। बोलो भाई, पर्पस समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? यस सर। और ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि जो जितने भी ये प्लेनेटरी मोशंस हैं या सैटेलाइट के मोशंस होते हैं उनमें हम लोगों ने ये पता किया हुआ है, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व होने वाली चीजें हैं। ट्रेजेक्ट्री कोई भी हो, ट्रेजेक्ट्री कोई भी होगी तो क्योंकि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व, और सेंट्रल फोर्स मोशन है मतलब जो फोर्स है वो हमेशा पॉइंट एम की तरफ आएगा तो इसके अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो मिलती है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व। तो मैं इसके बाद भेज दूंगा आपको, तो समझना मैं इसके डेरिवेशन पेपर पर लिख करके अभी व्हाट्सएप कर देंगे, मतलब हम करेंगे सिर्फ ये उसमें रिजल्ट आपको भेजेंगे कि एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, और उसमें फिर आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे, उसमें फिर आपको ये प्रूफ किया जाएगा कि जब एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी जब नेगेटिव आती है और एनर्जी जब पॉजिटिव आती है, एनर्जी जब जीरो आती है और एनर्जी जब पॉजिटिव आती है, तो आपको हम प्रूविंग दिखाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, जीरो वाले एनर्जी में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आती है, और बाकी सबके केसेस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आती है। और मोर देन 1 एसेंट्रिसिटी, अब आप कोनिक सेक्शंस याद करोगे, यानी कि अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट किया है तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी, और हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी में ऑर्बिट कभी नहीं हो सकता क्योंकि हाइपरबोला नॉन क्लोज कर्व है, हाइपरबोला कभी भी वापस क्लोज नहीं करते होंगे, ये इसमें बॉडी एस्केप कर जाती है इंफिनिटी पर, इक्वल टू 1 पर पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ये भी आपका एस्केप करने वाला केस है, और 0 से 1 के बीच में एसेंट्रिसिटी जब आती है तो या तो वो सर्कुलर पाथ बनेगा या वो इलिप्टिकल बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ भी बन सकता है अगर हमने रेस्ट से स्टार्ट किया हो, मोशन को रेस्ट पे स्टार्ट कर दें तो स्ट्रेट लाइन पाथ आ जाता है। ठीक है, मैंने हिंट की है, कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, भेज देंगे अभी। अब जैसे कि ये कहा जाए सपोज कि हमारे पास ये कैपिटल एम मास है, अपना अर्थ मानते हैं, अर्थ का प्लेनेट मास कैपिटल एम, और इसके सेंटर से सपोज 3R के डिस्टेंस पे या फिर 2R के डिस्टेंस पे, जिसमें R इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ आर है, इसका मास एम है, इसके सेंटर से 2R के डिस्टेंस पर अगर हमने मान लो यहाँ पर एक स्मॉल एम मास का सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, और ये वेलोसिटी रूट ऑफ 3 बाय रूट ऑफ सपोज 5 बाय आर, कुछ भी, या इन जनरल इसको कुछ एन मान लो, एन टाइम्स जीएम बाई आर, मान ले भाई, इसको इसको भी जनरलाइज कर दे रहे, इस डिस्टेंस को जनरलाइज फॉर्म में स्मॉल आर ले लेते, ज्यादा बेटर होगा। अब आप खुद सोचो यहां पर क्या एनर्जी बन रही है इसकी, अगर यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर सेंटर से, प्लस काइनेटिक हाफ एम और वेलोसिटी का स्क्वायर, कुछ कॉमन तो आ ही जाएगा इसमें, मेरे ख्याल से जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर कॉमन आ जाएगा, और एन बाई 2 माइनस 1, करेक्ट करना अगर कोई गलती हो रही हो तो,
सही लिखा ना यार? यस सर। यस सर। अब बताइए अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं, मान लो n इक्वल टू 2, क्या एनर्जी बनेगी? जीरो। पैराबोलिक। और याद करो अंडर रूट 2 gm बाय r एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ही अंडर रूट 2 gm बाय r, यानी इस केस में एक पैराबोलिक ट्रिप पाथ बनेगा। अगर मैं n को मतलब अगर n इक्वल टू 2 है, मतलब यहां पर वेलोसिटी अगर अंडर रूट 2 gm बाय r है, तो इसका ट्रैजेक्टरी एक पैराबोला होगा और ये सेंटर ऑफ अर्थ पैराबोला के फोकस पर, और क्योंकि ये पैराबोला बनने जा रहा है तो ये और ये पॉइंट पैराबोला का फोकस पॉइंट होगा, मतलब स्मॉल आर, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं मैथ में यार, ये एक तरीके से पैराबोला की वर्टेक्स हो जाएगी और ये पैराबोला का फोकस पॉइंट, अभी ये डिस्टेंस क्या बोलते हो पता नहीं, इसका कुछ नाम होगा मैथ में, क्या होता है इसका कोई नाम होता है पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आती है? फोकल लेंथ। सर फोकल डिस्टेंस। हाँ, तो फोकल लेंथ आर हो जाएगी मान लीजिए, जो भी ये उस केस में होगा, मतलब ये ट्रेजेक्ट्री एन इक्वल टू 2 जगह है तो ये पैराबोलिक पाथ पे जाने वाला है। एन की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है, मतलब कि एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तो यही वाला मास पैराबोला से भी बाहर जाकर के एक हाइपरबोलिक पाथ पे जाएगा, उसमें भी वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। पैराबोलिक पाथ में भी वो इन्फिनिटी पे जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ में भी वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब दोनों ही कंडीशंस में एस्केप कर जाएगा। बट ये होता है कि n इक्वल टू 2 में जब वो इन्फिनिटी पर जाएगा तो इन्फिनिटी पर जा करके स्टॉप कर जाएगा, और हाइपरबोलिक पाथ में इन्फिनिटी पर जाने के बाद भी कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसके पास, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। n इक्वल टू 2 वाले केस में मोशन इज विथ एनर्जी इक्वल टू 0 जो कि कंजर्व एनर्जी है, n इक्वल टू n मोर देन 2 में एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी कंजर्व रहेगी, इन्फिनिटी पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी जो काइनेटिक के फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर जीरो एनर्जी है, कंजर्व है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और बाकी केसेस में मतलब n 2 से कम है, अगर सपोज n इक्वल टू 1 है, स्पेशल केस है, 2 से कम तो है लेकिन 1, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट जी एम बाई आर, उस केस में ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ। n अगर 1 से 2 के बीच में है या फिर 0 से 1 के बीच में है, उन दोनों केसेस में ये इलेप्टिकल पाथ पे जाएगा। कुछ आया क्लियर या नहीं आया आपको? सर हाँ सर, वो इलिप्स में जब इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो उसके दो फोकस होते हैं, तो अर्थ कौन सा वाला होगा इसमें? वो डिपेंड कर, अगर n 1 और 2 के बीच में है, आप खुद देखो ना, आप ऐसे स्टार्ट करो n इक्वल टू 1 जब ले रहे हो, n इक्वल टू 1 तो ये सर्कुलर पाथ है जिसमें ये पॉइंट सर्कल के सेंटर पर है, मतलब प्लैनेट का जो सेंटर है वो सैटेलाइट के ऑर्बिट का भी सेंटर है। ऑब्वियसली n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी, मतलब n जितना ज्यादा होगा उतना वाइड ट्रेजेक्ट्री होती है, तो कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बनता है जब आप n 1 से 2 के बीच में लेते हो इस टाइप से। और उस केस में ये जो पॉइंट होता है वो सैटेलाइट के नियर फोकस पर है, ये नियरेस्ट फोकस है, मतलब पास वाला फोकस है, दूसरा दूर वाला फोकस नीचे कहीं होगा, ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा, उसमें दो फोकस होंगे, ये वाला फोकस सैटेलाइट का नियरेस्ट फोकस है, मतलब कि ये पेरिजी वाला पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट पेरिजी वाला बनेगा, उधर कहीं जाकर के एपोजी वाला पॉइंट आएगा नीचे। यस सर। और अगर n 1 से कम है तो भी इलिप्टिकल है, n 1 से कम होने पर भी इलिप्टिकल पाथ बनता है, लेकिन उस इलिप्टिकल पाथ में ये एपोजी वाला पॉइंट है, पेरिजी वाला पॉइंट नीचे होता है। यस सर। ये कुल मिलाकर के ट्रेजेक्टरी केसेस बनते हैं। बाकी इसका प्रॉपर प्रूफ
अभी जो हम लोगों ने स्किप किया हुआ है कि एसेंट्रिसिटी को सॉल्व किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, और वहां से ये प्रूफ होता है कि जब एनर्जी के अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो एसेंट्रिसिटी अलग अलग आती है, और तब हमको मालूम चलता है कि पाथ क्या बनेगा इसका। पूछो क्या पूछ रहे थे। सारे पाथ के लिए वेलोसिटी मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल है। ये जो कंडीशन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि आप इसको 90 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो या किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हो। अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में दे दीजिए, हाइपरबोलिक पाथ पे ही जाना है उसको। फर्क ये पड़ेगा कि ये पॉइंट हाइपरबोला का वर्टेक्स ले होगा बस। परपेंडिकुलर वेलोसिटी देने पर ये जितने भी आपके कॉनिक सेक्शंस बन रहे हैं उनका मतलब पैराबोला और हाइपरबोला में ये उनके वर्टेक्स हैं। एलिप्स के केसेस में ये एपोजी या पेरेजी वाले पॉइंट हैं, और सर्कल के केस में ये डायमीटर वाला पॉइंट। ये चीज नहीं होगी बस। सर हाइपरबोला में भी दो फोकस होते हैं, लेकिन उसमें जो अर्थ की तरफ है वही एक फोकस बनेगा ना हमेशा हर केस में। हाँ बिल्कुल। और कोई क्वेरी है इसमें? नो सर। हटाएं इसको। ये रिजल्ट पर ध्यान रखो, ये रिजल्ट यार ये इंपॉर्टेंट है खाली। और इसीलिए तो एस्केप करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि एस्केप करने की जो कंडीशन है वो ये है कि टोटल एनर्जी को जीरो कर दीजिए। तो बॉडी मतलब अगर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एस्केप निकालना है तो एनर्जी जीरो करिए, अदरवाइज एनर्जी पॉजिटिव कर दीजिए। जीरो या पॉजिटिव ये दोनों एस्केप करने के एग्जांपल। परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है। देखो अगर हम ये कह दें कि ये हमारा मास है यानी अर्थ हो गया, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर स्मॉल ए मास है, और इसको किसी एंगल पर वेलोसिटी दे दो आप। सपोज ये एंगल कोई थीटा नॉट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और अगर हम वी नॉट को फिर से वही रखें अंडर रूट ऑफ एन जी कैपिटल एम बाई आर, तो सेम रिजल्ट बोलूंगा मैं। ओके क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर आप लिखोगे, नोटिस करना है एनर्जी, एनर्जी एट दिस पॉइंट वो तो आपका क्या था मेरे ख्याल से जी एम स्मॉल एम बाई आर। एनर्जी में डायरेक्शन का कोई काम तो है नहीं, सेम ही रूल आएगा आप किसी भी एंगल पर थ्रो कर दे। बट मान लो अगर ऐसा है और सपोज लेट कि हमने कहा n इक्वल टू 3 बाई 2 है, बताओ पाथ क्या बनेगा n इक्वल टू 3 बाई 2 पर? आप एनर्जी देखो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव मतलब एलिप्स या सर्कल बनना चाहिए, सर्कल हो नहीं सकता क्योंकि सर्कल के केस में कोई भी सर्कल तो पॉसिबल ही नहीं है। वेलोसिटी और रेडियस के बीच ऑब्ट्यूस एंगल कैसे दिखाओगे? सर्किल अगर होता तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो एलिप्स ही बचा एक। बट ये एलिप्स का पेरिजी और एपोजी वाले पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि पेरिजी और एपोजी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी और आर के बीच 90 का एंगल होता है। तो ट्रेजेक्ट्री एलिप्स होगी, बट ये पॉइंट एलिप्स का कोई रैंडम पॉइंट है, यानी कोई इलेप्टिकल पाथ होगा ऐसे चल करके, ऐसे करके कोई इलेप्टिकल पाथ बन जाएगी, और यहाँ कहीं पर जा करके उसका एपोजी वाला पॉइंट आएगा, इधर कहीं जा करके पेरिजी वाला पॉइंट आएगा। और इसमें कई बार क्वेश्चन तुमने किए भी होंगे, पूछते भी हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। सर पैकेज भी शीट में है सर, ये 13 क्वेश्चन शीट में कई बार पूछे जाते हैं, बट ट्रेजेक्टरी एलिप्स है। करो प्रैक्टिस, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर बता देंगे उसमें क्या है। सर 17 वाला एक देखिए, ये हटाए? हाँ सर किया था।
यार इसका डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा 17 वाले में। तुम लोगों ने मुझे लगता है वेव वाले क्वेश्चन किए नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे। तुम लोग वही क्वेश्चन करते हो जो सर उसमें वो एक्सेलरेशन वाला था ना सर, उससे चक्कर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था सर, लगाए तो थे उसमें भाई, इसीलिए तो दिया एक्सेलरेशन वाला दिया इसीलिए था कि शायद पहले ना लगाया हो इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ सर उतने नहीं लगाए थे सर। तो भाई एक्चुअली सब यही चाहते हैं ना, हम तो ये चाह रहे हैं कि कैसा भी लेवल आ जाए, कभी डिफिकल्ट आए, मतलब 2016 भी अगर आ जाए तो भी सरेंडर नहीं करना मान जा करके। ठीक है, इसमें वैसे दिक्कत आ कहाँ पर रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सर आंसर नहीं मैच हो रहा था सर, मतलब इक्वेशन से बना लिए थे मतलब वो करके, लेकिन सर आंसर में ही मतलब लास्ट में दिक्कत आ रहा था मतलब कुछ। अच्छा अच्छा चलिए देखिए, इसको कुछ बी, मेरे ख्याल से असाइनमेंट में भी बी ही नाम है इसका शायद, ये ठीक है बच्चे। यस सर, यस सर, ये है ना नाम। हाँ ठीक है, ये बताइए सबसे पहले, सबसे पहले तो ये बताओ पहला स्टेप, अगर हम इसको एक्स डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज कितना डिस्प्लेस करेगी, ये बताइए कंस्ट्रेंट लगाओ पहले। एक्स बाय टू ये इसमें कोई डाउट है किसी को कंस्ट्रेंट में, कि अगर इधर एक्स चलेंगे तो यहाँ एक्स बाय टू जाएंगे? नो सर। चलिए पक्का ना? यस सर। ठीक, अब ये बताइए इक्विलिब्रियम के टाइम पर ये स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगा, वो निकालो इक्विलिब्रियम टाइम पर इसका इक्विलिब्रियम एलोंगेशन कितना होगा। यहां पे करो, अच्छा पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे एम जी इक्वल टू, यहाँ पर कुछ टी मान ले, अगर एम जी इधर टी, यहाँ पर टी दिखाएंगे, यहाँ टी दिखाएंगे, मासलेस पुली है तो यहाँ पर टू टी दिखाएंगे, और यहाँ पर कुछ फोर्स स्प्रिंग में दिखाएंगे। इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर टी बराबर एम जी, और यहाँ टू टी स्प्रिंग का फोर्स, और एम जी का एक कंपोनेंट भी जाएगा नीचे एम जी साइन थीटा। सर mg sin थीटा प्लस 2mg बाय k। एक मिनट, थीटा इसमें दिया नहीं है क्या? नहीं सर, थीटा गिवन नहीं है, सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, हो सकता है उसकी जरूरत ना हो, इसरो कैंसिल हो जा रहा है नेट फोर्स निकालना। खैर जो भी है, तो मान लेते हैं ना यार, एक काम करेंगे हम लोग, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना यार, इक्वेशन तो लिखी नहीं, अच्छा इक्वेशन के टाइम पर क्या बन रहा होगा, एम जी बराबर टी फर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए कि ये एक्स नॉट नीचे गया और ये एक्स नॉट बाय टू जब आया तब इक्विलिब्रियम आया, एक्स नॉट नीचे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आई थी, तो हमारी इक्वेशन एम जी बराबर टी, और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इसके इक्विलिब्रियम के लिए वो लिखेंगे 2 इंटू टी यहाँ पर प्लस एम जी साइन थीटा स्प्रिंग का फोर्स के, यहाँ ध्यान देना है क्या रखे, एक्स नॉट या एक्स नॉट बाय टू, एक्स नॉट बाय टू, बाय टू, यहाँ पर गलती हो सकती है, यहाँ पर ये पॉइंट है जहां मिस्टेक किया जा सकता है। चल ये तो हो गया इक्विलिब्रियम के, उसके बाद लेट स्मॉल एक्स डिस्टेंस फर्दर आगे नीचे गए, स्मॉल एक्स डिस्टेंस फर्दर, स्मॉल एक्स ये जा रहा है एक्स नॉट के बाद, इसको फर्दर एक्स नीचे लेके चलो, मतलब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है। अब इसके आगे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फोर्स मेथड लगाओ या एनर्जी मेथड लगा लो, जिसमें से अब तुम लोग को जिसमें कंफर्ट है, मतलब
ये अब टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप क्वेश्चंस को फोर्स मेथड से करना पसंद करते हो कि एनर्जी मेथड से करना पसंद करते हो, ये तुम लोगों ने जो प्रैक्टिस की होंगी उस पर है। फोर्स मेथड से करें अगर मान लीजिए, तो यहां पर जो इक्वेशन लिखेंगे ब्लॉक ए के लिए, कोई प्रेफरेबल मेथड हो तो बोलो, अदरवाइज हम अपने हिसाब से चले। अगर एनर्जी से करना चाहते हैं एनर्जी से भी कर सकते हैं। फोर्स से तो कर लेते हैं, एनर्जी से बता दीजिए। एनर्जी से यस सर। हां सर, चलिए तो ठीक है। अगर ये x नीचे जाएगा, हम जो ये इक्विलिब्रियम था ना इसी को रेफरेंस मान लेते हैं यार, ये रेफरेंस है। तो इसके नीचे जाने पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे वो यहां उस तरफ लिख दे रहे हैं, दिक्कत ठीक है। एनर्जी बराबर माइनस एम जी एक्स, एक एक स्टेप देखिएगा, माइनस एम जी एक्स इसकी एनर्जी हो गई। इस वाले मास के पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, बोल रहे हैं इसका लिख लिया माइनस एम जी एक्स, इसका बताओ माइनस। अगर ये भी तो एक्स बाई टू और आगे आ जाएगा, अगर ये एडिशनली एक्स जाएगा तो ये एक्स बाई टू आ जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स बाई टू साइन थीटा, साइन थीटा इन दोनों का हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या, इस नीचे वाले मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, ये नीचे वाले मास की है, इसकी वेलोसिटी वी मान लें, तो इसकी वेलोसिटी वी बाई टू बाय द कंस्ट्रेंट हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर। और क्या आएगा, और एनर्जी कौन सी आएगी इसमें, स्प्रिंग, स्प्रिंग वो आएगी हाफ के। अब ध्यान दीजिएगा वो एक्स नॉट बाई टू पहले से ही एलोंगेटेड था, और कितना एलोंगेट हो गया वो एक्स बाय टू यानी कि प्लस एक्स बाय टू यानी कि टोटल एनर्जी, ये हुई इसकी टोटल एनर्जी। अब करना ये होगा इसमें, मतलब एनर्जी मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो करना ये होता है कि क्योंकि इसमें कहीं पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, शायद फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ दिया नहीं है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा बीच में, और वैसे भी नेचुरल ऑसिलेशन से हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो करेंगे। अब यार ये मेरे पास अब स्पेस नहीं है, तो आप लोग एक बार करो, इसमें एक जगह पर ना जब आप ये सब कुछ करोगे तो एक जगह पर एक इन दो इक्वेशंस का यूज होगा एक्चुअली। ये वाला टू जो यहां पर था इसको इधर ले जाओ, तो ये फोर और प्लस टू और टी बराबर एम जी, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें एक्चुअली, डिफरेंशिएट होने के बाद एक्स नॉट जो है उसको इन दो इक्वेशन से एलिमिनेट करना होगा, कुछ इतना आएगा वो के एक्स नॉट बराबर टू एम जी साइन थीटा प्लस फोर एम जी, ये आपको रखना होगा तब जाकर के आंसर आएगा एक्चुअली, मतलब ये जो एक्स नॉट है उसको रखना होगा और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा। और शायद ये आता है माइनस कुछ के एक्स अपॉन फाइव एम करके, स्पेस नहीं चाहो तो आप अभी अगर करना चाहो वेरिफिकेशन तो अभी कर लो।
किया यार है नहीं क्या अभी यस सर आ गया ये यार माइनस के एक्स बाई फाइव एम यस सर यस सर और आंसर कुछ आंसर नहीं आंसर ये क्या कुछ भी अलग दिया है साइन में तुम लोग आंसर एक बार यही है ना यही है सर यस तो ठीक है इसका मतलब कोई गलती हुई होगी सॉल्व करने में चलो ये तो हो गया लगभग और कोई है तुमने तो आगे बढ़े यार और सर वो नाइंथ वाला कौन सा सर नाइंथ ये तो नाइंथ या तुम लोग इसको लगाओ तुम लोग ना एक्चुअली एडवांस के नाम पर सोच रहे हो लेकिन ये एडवांस में तो फायदा देगा ही देगा मेंस पर भी देगा ऐसा नहीं होता कभी क्वेश्चन एट पहले बता दे रहे अब यार एट्थ में आपके पास ग्राफ है ना असाइनमेंट सबके पास है या नहीं बोलो यस सर तो उसमें आप ग्राफ देखना जो ये वाला ग्राफ है देखो अगर आप कुछ ये वाला ग्राफ ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है क्वेश्चन में दिया है वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है सो पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो हम उसकी इक्वेशन मानते हैं लेट इक्वेशन ऑफ अ वेव याद करिएगा प्रोग्रेसिव वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले उसकी इक्वेशन कैपिटल ए साइन kx माइनस ओमेगा टी और प्लस पाई नॉट इन जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव ये बताओ जो हाईएस्ट वैल्यू ग्राफ में दिख रही होगी ना आपको हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है नहीं दिख रही है ग्राफ में अगर आपके सामने स्क्रीन पर लाऊं तो फोर है तो इसका मतलब ये तो 4 आ गया और 4 मिलीमीटर यूनिट्स का बात जाने ओमेगा विच इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड अगर आप ना x इक्वल टू 0 वाले ग्राफ को देखो x इक्वल टू 0 वाले ग्राफ 0.04 सेकंड हाँ उसमें यहां फर्स्ट वाले पीक से अगला वाला पीक जो आ रहा फर्स्ट पीक से नेक्स्ट पीक वैल्यू के बीच का टाइम चेक करो 0.04 हाँ तो 0.04 ओमेगा आ गया अब आते हैं वेवलेंथ के ऊपर इसमें पूछा क्या क्या गया था देखो पहले देखें तो क्या पूछा है वो तो वेवलेंथ और वेव स्पीड टाइम पीरियड आ गया एम्पलीट्यूड आ गया वेवलेंथ निकालना है उसके लिए दूसरा वाला ग्राफ चाहिए अच्छा एक और बात है फाई नॉट कितना है वो भी चेक करना होगा मुझे तो नोटिस करना जो x इक्वल टू 0 वाला ग्राफ है x इक्वल टू 0 वाला ग्राफ उसमें टाइम t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर ग्राफ में y कितना आ रहा है 0 अब बताइए फाई नॉट कितना आना चाहिए x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x 0 t 0 y 0 व्हाट इज फाई नॉट 0 इससे फाई नॉट मिल गया और x इक्वल टू 0.9 और t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0.9 t इक्वल टू 0 क्या है वैल्यू y की थ्री अब बताओ इससे कैसे करोगे y की वैल्यू 3 कैपिटल a की वैल्यू 4 साइन k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा x की वैल्यू 0.9 टाइम ऑलरेडी 0 है और फाई नॉट पहले 0 आ चुका है यहां से लैम्डा निकालो आया समझ में कि नहीं जी आया समझ में यस सर यस सर चलो
फंडामेंटल पे है ये भी। बाकी जब टाइम पीरियड और वेवलेंथ दोनों आ जाएंगे तो वेव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल्स टू f लैम्डा से। अभी एक सिक्स्थ क्वेश्चन का मैसेज आया है, सिक्स्थ क्वेश्चन आसान सा है। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन करने के लिए हम लॉजिक कौन सा लगाने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव कैसे कैलकुलेट होगी। देखो एनर्जी ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव अगर पूछा जाए, बड़ा आसान तरीका है इसका। दो कंसेप्ट है, एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव कितनी होती है और एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। और ये ध्यान रखना कि जो स्टैंडिंग वेव है ये मिलती है उससे सुपर पोजिशन करने से मिलती है आपको, और सुपर पोजिशन ऑफ टू सिमिलर वेव्स जो ट्रेवल करें इन अपोजिट डायरेक्शंस, तब जाके स्टैंडिंग वेव आती है। और ट्रेवलिंग वेव की एनर्जी, बड़ा आसान तरीका है याद करने का, ट्रेवलिंग वेव की एनर्जी को आप सेम फॉर्मूला यूज करो जो एस एच एम का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ऑफ एस एच एम सेज इट इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बस उसमें जो मास है वो हम हटा देंगे और इसको मास ऑफ मीडियम रखेंगे। जिस मीडियम के अंदर वेव है उस मीडियम का मास कर दीजिए। मतलब कि अगर वेव इन अ स्प्रिंग हो तो मास इक्वल्स टू म्यू इनटू एल, जिसमें म्यू को कहते हो मास पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली अगर वेव गैसेस में है, मतलब कि ऑर्गन पाइप में गैसेस में, तो मास बराबर डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ अ पाइप। डेंसिटी ऑफ द गैस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पाइप ऑर्गन पाइप, क्योंकि ऑर्गन पाइप के ही अंदर आएगा ये डेंसिटी, ऑर्गन पाइप का एरिया और लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। और यही दो तो हमारे सिलेबस में है, या तो वेव इन द स्ट्रिंग सिलेबस में है या वेव इन द गैसेस सिलेबस में है, मतलब ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इससे कोई बर्डन नहीं होगा, मतलब अलग से कुछ याद नहीं करना है। ट्रेवलिंग वेव का फॉर्मूला वही है जो स्ट्रिंग जो एस एच एम का फॉर्मूला है, और स्टैंडिंग वेव सुपर पोजिशन ऑफ दो वेव है जो कि ट्रेवलिंग है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव टू टाइम्स एनर्जी ऑफ ईच ट्रेवलिंग वेव। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। क्या करना चाहिए बताओ, अगर आपसे मैं कहूं कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट है। एक और स्टेटमेंट याद रखना यार, जब आप दो ट्रेवलिंग वेव लेते हो और ट्रेवलिंग वेव के एम्पलीट्यूड ए हो अगर, तो स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू ए आता है। ये पॉइंट समझिएगा, जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है अगर इनके एम्पलीट्यूड ए और ए है, तो स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू टाइम्स ऑफ ए बनता है एंटी नोड्स के ऊपर। यस सर। तो अगर स्टैंडिंग वेव ए नॉट है तो इसका मतलब इंडिविजुअल वेव कितने एम्पलीट्यूड की रही होगी? ए नॉट बाई टू। ए नॉट बाई टू, हाँ। तो अब एनर्जी में क्या कर देंगे, देखिए इट इज इक्वल टू टू। जब आप एक ट्रैवलिंग वेव का एनर्जी निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज करके, तो इट इज हाफ मास ओमेगा स्क्वायर, और यहां ए नॉट बाई टू का स्क्वायर करेंगे। ये आखिरी वाला स्टेप पर ध्यान दो, स्टैंडिंग वेव डबल ऑफ ट्रैवलिंग, एंड ट्रेवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड और स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड में 1:2 का रेशियो। पकड़ पाए इसको? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको सिर्फ ओमेगा निकालना है इस क्वेश्चन में, मतलब ये आगे के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा तुम्हें।
एनर्जी ऑफ वेव निकालने में काफी हेल्प हो जाती है। अब इसमें एल लेंथ के स्प्रिंग है, टेंशन टी दे रखा है और स्प्रिंग एक्साइट की गई है फॉर इट्स, यार इसमें तो लिखा नहीं कौन सा होगा टू ने, यार इसमें ये तो मेंशन नहीं है कौन सा ओवर टू ने। यस सर यही कंफ्यूज कर रहा था। एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, बस बुक है हमारे पास, एक मिनट क्रॉस चेक करके बता दे रहा। फर्स्ट ओवर टू क्या करेंगे? अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला जनरलाइज है, इसके हिसाब से बनेगा क्या यहाँ पर? ये बाय फोर और बाय यहाँ पर टू, मतलब एट और टू फोर, यानी वन बाय फोर मास म्यू इनटू एल, मास दे रखा क्वेश्चन में, मास नहीं दिया सर, वो आ जाएगा म्यू इनटू एल, और ए नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज टू पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फोर पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन एल रूट टी बाय म्यू, फर्स्ट ओवरटोन स्ट्रिंग का, आ गया आंसर मेरे ख्याल से जो आपका था, म्यू भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर आ जाएगा। हाँ तो आपको बहुत डिफिकल्ट ना मानो, आप ये मत सोचो कि बहुत टफ है, मतलब ये सब मिक्स है असाइनमेंट्स में, कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइप भी कह सकते हैं, कुछ फंडामेंटल टाइप के भी। सेवेंथ वाला हो गया सर? यस सर कर लिया था। चलो ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो है नाइन्थ वाला, नाइन्थ हर किसी का यार। यस सर एक बार उसमें बता दिया पूरा आंसर आने से, हमें पूरा आंसर तब आएगा जब सही करोगे ना। इसमें ये जो ब्लॉक है ना, मान लो ये ब्लॉक नीचे से मतलब ग्राउंड से कुछ y नॉट डिस्टेंस पे है जब इसका इक्विलिब्रियम था, y नॉट नहीं इसको ना h नॉट कर देते, एक्चुअली क्वेश्चन में h है h नॉट, ये कैसे निकालोगे कितनी हाइट पर इक्विलिब्रियम होगा ये निकालेंगे कैसे? तो सर लिक्विड की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी सेम कर दो, तो अच्छा जो इसका इसका mg और बॉयंसी बराबर कर देना सीधा सीधा। यस सर, या दोनों की डेंसिटी बराबर कर दे, बात एक ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फुल्ली समर्ज है, फुल्ली समर्ज हो, या तो mg इक्वल्स टू बॉयंसी कर दे या दोनों का डेंसिटी कंपेयर कर दे। खैर इन अ मोर जनरलाइज वे, ऑब्जेक्ट का मास जब निकालेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पाई फॉर रो नॉट बाय टू इनटू जी बराबर बॉयंसी, ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज है सो इट इज कैपिटल वी, यहां पर लिक्विड की डेंसिटी चाहिए कितनी है, वो लिक्विड की डेंसिटी वो दे रखी है रो नॉट फोर माइनस थ्री, ये एच नॉट क्या है इसके अंदर यार, पूरी हाइट है, अरे यार रुको गड़बड़ हो गया, एच नॉट क्वेश्चन में पूरी हाइट है तो इसको हम कुछ और मान लेकर इसको वाई नॉट ही सही था, तो थ्री वाई नॉट अपॉन एच नॉट इंटू जी, इससे पहले निकालो वाई नॉट कितना है, मतलब कि कहां पर ये इक्विलिब्रियम पर होगा, सर एच नॉट बाय टू, ठीक है
सो इससे वाई नॉट बराबर एस नॉट बाई टू, मतलब कि सेंटर पर इक्विलिब्रियम पर। अब आप उसको इक्विलिब्रियम से फर्दर वाई डिस्टेंस ऊपर ले जाओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से फर्दर वाई डिस्टेंस और ऊपर ले जाए अगर, तो ऑब्वियस सी बात है mg तो बदलेगा नहीं, आ रहा समझ में नहीं आया देखो। yes, जो डेंसिटी का फंक्शन है ना वो देखो आप, डेंसिटी के फंक्शन में जो स्मॉल h है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में स्मॉल h, जैसे जैसे h बढ़ेगा लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी, दिखा आपको। यस सर, मतलब ऊपर वाला लिक्विड जो है, इधर वाला लिक्विड ये कम डेंसिटी का है, नीचे वाला लिक्विड ज्यादा डेंसिटी का है, तो जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो लिक्विड की डेंसिटी कम होने की वजह से बॉयंसी रिड्यूस कर जाएगी, मतलब वाई डिस्टेंस ऊपर जाने पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का एम जी ये तो उतना ही रहा लेकिन बॉयंसी कम हो जाएगी, वो बी माइनस कुछ डेल्टा बी हो जाएगी, और बॉयंसी कम होने की वजह से नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ जाएगा, और ये हमको एसएसएम की कंडीशंस भी है कि नेट फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो जो नेट फोर्स है वो बेसिकली चेंज ऑफ द बॉयंसी के बराबर ही होगा, नेट फोर्स बराबर माइनस टाइम्स चेंज ऑफ बॉयंसी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जितना बॉयंसी चेंज होगा, और बॉयंसी में जो चेंज आएगा वो निकाल लेते हैं बॉयंसी का चेंज कितना आएगा इस पे, या अगर आप प्रॉपर सेंस में करना चाहते हो तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर इसको बी डैश कर देते, नई बॉयंसी, नई बॉयंसी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4 - 3 अपॉन एच नॉट। अब हम टोटल वाई नॉट प्लस वाई हाइट पे, टोटल हाइट फ्रॉम बॉटम इज वाई नॉट प्लस वाई, ये एक तरीके से टोटल बॉयंसी हुआ ग्राउंड से y नॉट प्लस y हाइट पे, y नॉट प्लस y डिस्टेंस की बॉयंसी माइनस mg, मैं जो डायरेक्ट करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था एक्चुअली mg का टर्म कैंसिल हो जाएगा किससे, वो जो इनका जब आप रिजल्ट ये सर वो कट जाएगा सर, 4 - 3 y नॉट बाय h वाला जो टर्म है ये कुछ इतना, हाँ वो एक्चुअली मैं डायरेक्ट करना चाह रहा था वहां पर, देख लो आपका नेट फोर्स y के प्रोपोर्शन में जा रहा है, एसएचएम की कंडीशन आ गई, ये फोर्स का कांस्टेंट आ गया, ये फोर्स कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट के इसके आगे तो कर लोगे भाई, श्रीवास्तव जी हुआ कि नहीं बताओ। yes. कहाँ गलती हो रही थी, नहीं मालूम, हो गए या और कोई है, लगभग तो तुमने सारे करा ही लिए, बचा कौन सा है इसमें, हो गए भाई कि कुछ और रह गया अभी, वो सर एक टेंथ वाला भी बता दीजिए, इसमें आइस क्यूब है, कितना फुल्ली सबमर्ज होगा या कितना सबमर्ज होगा निकाल पाओगे, आइस क्यूब कितना सबमर्ज होगा यहाँ पर निकाल लेंगे सर, 18 सेंटीमीटर सबमर्ज होगा, ठीक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये तो निकाल सकते हैं सबमर्ज कितना होगा,
एक्चुअली वो 9/10 एल नॉट आ जाएगा। इस पर इसको अपने आप कर लो यार, सबमर्ज लेंथ निकाल लो अपने आप। ये सर हो गया सर। ठीक है, अभी जब आइस मेल्ट करेगा तो ये इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि जब प्योर आइस वाटर में मेल्ट होती है तो लेवल नहीं बनता। या चलेगा, प्योर आइस जब मेल्ट होगी पानी में तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। यस, तो कहां जाएगा ये आइस मेल्ट करके, कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? अभी सर ये जो टोटल बेस एरिया है सर और ये जो क्यूब है आइस का सर, सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये जो सबमर्ज वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम सबमर्ज है यहीं पर पानी आ जाएगा। यस सर। तो इस लाइन को अगर हम रेफरेंस माने, देखना इस लाइन को एक रेफरेंस मानो, तो अभी इस आइस का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है इससे बताएं? इससे आप ये निकालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइस कितनी होगी, इसको रेफरेंस माना है बॉटम को, इसके मास जी सेंटर ऑफ मास ऑफ आइस, अगर ये टोटल इसकी लेंथ एल नॉट है। बोलिए ठीक है। यस सर। यस। अब ये आइस जब वाटर बन जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वाटर बनने के बाद, ध्यान रखना, वाटर बनने के बाद साइड में साइड का जो लेवल है इधर वाला, ये लेवल नहीं बढ़ेगा सर। mg 9/10/2 वाटर। बिल्कुल, ये जो जितना आइस पानी को डिस्प्लेस किया था जितना उसने, ये पोर्शन यहीं पर वो पानी आ जाएगा, यहां पर वो वाटर आएगा जो आइस के मेल्ट होने के बाद बनेगा। तो मेल्ट होने के बाद जो पानी बन रहा उसकी हाइट 9/10 एल नॉट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg 9/L0/20। ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो गया यहां पर। यस सर। निकाल लो डिफरेंस, इतना ही पूछा है, यही डिफरेंस पूछा है इसमें। चलो ये बाकी अपना अगर हो तो बताना। यस सर। सर एक क्वेश्चन भेजा था आपको सर, सेमी सर्कुलर रिंग वाला चार्ज होती है।